साहेबगंज जिले के नगर क्षेत्र में 17-18 जुलाई को मुहर्रम जुलूस निकाला गया था। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने और फिलिस्तीन का झंडा लहराने सहित अन्य मामलों को लेकर प्रशासन के द्वारा 3 FIR दर्ज की गई है। साथ ही 8 मुहर्रम कमेटी का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। मामले में SDO अंगारनाथ सोनकार ने जानकारी दी और कहा कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या कुछ SDO बता रहे हैं, देखें वीडियो में। कमेटी के लोग आए थे, उनके साथ कोई बैठक नहीं थी, ये उनके द्वारा हमने जो उनको सोनपुर से नोटिस किया था, उन्होंने जो 17 तारीख और 18 तारीख को जुलूस निकाल करके जो जुलूस की शर्तों का वायलेशन किया था और 5 बजे के बाद जुलूस निकाला, जिससे हमको बिजली कटना हुआ और 5 बजे के बाद हम 1 बजे रात तक बिजली नहीं दे पाए, उसके कारण जो लोगों को परेशानी हुई, असह्य कष्ट हुआ, उसकी जिम्मेदारी के लिए और जुलूस में अन्य शर्तों, लाउडस्पीकर एक्ट का, बिजली एक्ट का अनुल्लंघन करने के लिए हमने उनको नोटिस किया था। नोटिस के उत्तर में उन्होंने लिख करके हमें हर एक आदमी ने दिया है सदस्य, उसको हमने पढ़ा है। 2 बातें कॉमन है, एक तो ये कि सभी ने इनवेरिएबली जुलूस की सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जुलूस उन्होंने चालू रखा है या 5 बजे के बाद 2 सारे निकाला है और 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक लोगों ने इसको चालू रखा। दूसरी बात यह कि किसी ने ये, सभी ने क्षमा प्रार्थना की है, लेकिन किसी ने ये बात कमिटमेंट नहीं किया है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए सभी लोगों का लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर देने के लिए बोल दिया गया था। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये घटना अपराध है, इसमें भारतीय न्याय संहिता में जितने वर्णन हैं उनमें कई धाराओं में अपराध वर्णित हैं, इसलिए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित दंडाधिकारियों को जो थाना समेत अपने पर थे उनको दे दिया गया। 3 प्राथमिकियाँ दर्ज होंगी, एक तो रसूलपुर दाहला के जो जुलूस के मार्ग में किसी के पत्थर मारने की घटना हुई थी, जिसको प्रशासन ने सतर्कता से, बहुत सूझबूझ से और कमेटी के सदस्यों के सहयोग से निकाल लिया और जुलूस में कोई उपद्रव नहीं हुआ, शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई। दूसरा, टाउन थाना में इस अपराध को लेकर जिसको जुलूस में समय सीमा का जो भंग किया गया है, स्टिकर वगैरह का जो एक्ट है। तीसरा, झिरवाबाड़ी थाना में होगा इन्हीं चीज़ों को लेकर के। आगे से इसमें एक काम और किया जाना है, क्योंकि ऐसी सूचनाएं थी कि हम थाना प्रभारी, DSP साहब, अंचल अधिकारी, सभी लोगों ने जुलूस को 17 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में निकालने के लिए इसी समय पे सभी जुलूस के जो अध्यक्ष और सचिव हैं उनके पास पर्सनली गए, समझाया बुझाया, याद दिलाया, अनुरोध भी किया, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम समय से निकालने के लिए उद्यत भी हुए। यहाँ तक कि ये भी सूचना है कि LC रोड के मस्जिद से अनाउंस भी हुआ कि 2 बजे तक जुलूस निकल जाएगा, सभी लोग यहाँ पहुँच जाए, उसके बावजूद लोग नहीं निकले और 5 बजे तक नहीं निकले, 5 बजे के बाद ही निकले, इससे बिजली काटना, लोगों को परेशानी करना, पुलिस पदाधिकारियों को, मजिस्ट्रेट को बिना खाना पीने के 2 बजे रात तक खड़े रहना, ये सारी चीज़ें इन सिर्फ और सिर्फ 8 जो कमेटी हैं इनके अध्यक्ष और सचिव और इनके जो तथाकथित सहयोगी हैं उनकी वजह से होगा और ये इनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। ये DSP हैं, उनसे भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी अपने स्तर पर छानबीन करें और इससे संबंधित अगर कोई अपराध गंभीर हो या उनकी प्रकृति नजर आए तो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में अनुरोध करें और उस पर अलग से फैसला करें। हम चाहेंगे कि इस अपकृत्य को कभी कोई दोबारा नहीं दोहराए, कोई समुदाय नहीं दोहराए, इससे लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को, शहर वासियों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, मरीजों को बहुत तकलीफ होती है और इस तरह की तकलीफें अगर करती हैं तो कानून अपना कार्य करता है। हम चाहेंगे कि दोबारा इस तरह का कोई नहीं। बात आई है उस पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ठीक है सर, सवाल ये था, जो शर्तें निहित हैं वो शर्तें पूर्ववत यथावत हैं, उसमें किसी को ऐसा कोई अपकृत करने की इजाज़त नहीं है जो संविधान में या मेजर एक्ट में अपराध के रूप में वर्णित है। ऐसी घटना जो फिलिस्तीन के झंडे की बात आती है, इससे लोगों के भड़कने, उत्तेजित होने और कोई घटना कारित कर देने की पूरी संभावना होती है, ये अपराध के रूप में वर्णित है, उसको लेकर FIR दर्ज किया।
उस समय पे जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ प्रतिनियुक्त थे उस जुलूस के साथ में और जुलूस के बगल रोजे में, उन दंडाधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने का जो निर्देश दिया जा रहा है वह चिन्हित करके करेंगे। दूसरा, थाना प्रभारियों को प्राथमिकी दर्ज करने के पहले विचारशीलता करने का अपना सिस्टम है, उसके आधार पर भी अपना करना है। किसी ने राजनीतिक बात की बात नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के सुख सुविधा उनके कुशल क्षेम को बनाए रखने के उद्देश्य से है। इस उद्देश्य से है कि इतनी ज़्यादा देर तक बिजली नहीं कटे, लोग परेशान नहीं हो, रात के अंधेरे में किसी के साथ कोई उपद्रव नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए इसका कोई राजनीतिक रूप नहीं।